नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। कभी हम केसपा पंचायत में है जो कि गया जिले के टिकारी प्रखंड में पड़ता है, और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं अमिताभ कुमारी जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चैनल को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे गाँव में आए हैं। मैं केसपा पंचायत के प्रतिनिधि करता हूं, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे हम करेंगे, क्या लग रहा है? नल जल योजना सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में योजना कितना सफल है? देखिए, नल जल योजना तो जब से मुखिया के पास था, PRD के पास था, वो चल रहा था अच्छे से, लेकिन जब से PhD में गया है वो सारा एकदम योजना बंद हो गया है। पाइप फटा हुआ है, कुछ जगह पर पाइप भी नहीं बिछा है। हम लोग के जब जीते थे तो हम लोग को तो मिला था कि इतना टावर आप लोग को दिखना PRD में, लेकिन हम लोग उस पर सर्वे किए और उसके बाद सब पाइप लाइन बिछा कर जनता को पानी पहुंचाए, लेकिन हम लोग सो छीना गया, वो PhD में चल गया। लेकिन PhD को वहाँ एक ही JE है, इस पूरा ब्लॉक में एक JE है, एक JE 3-4 ब्लॉक संभालते हैं, उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। और हम लोग इसके लिए बड़े पदाधिकारी को भी बोले हैं, हमारे विधायक जी की बोले, विधायक जी भी प्रयास बहुत किए हैं कि यहाँ होना चाहिए। हमारा एक तो 10 नंबर वार्ड है कुशवाहा टोला, उसके लिए मैं पूरा ताकत उसमें झोंक दी, अपना लेटर पर लिख कर जितना हमको बना, जहाँ तक सक्षम हुए वहाँ गए, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, आपकी जनता आपको पहचानती है, जनता आपको चुनी है, मुखिया बनाई है। अगर कहीं ना कहीं अगर पानी की समस्याएं हैं तो बहुत बड़ी समस्या आपकी पंचायत में है। बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग पानी के लिए जनता दूर दूर से पानी उस चापाकल अपना पॉकेट से कुछ पैसा देकर बनवाए हैं, चापाकल जो बिगड़ा हुआ। अच्छा, ये जो अधिकारी हैं PhD विभाग के, जो अधिकारी हो गए, JE हो गए, या फिर जिला में जो एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, वो लोग आप लोगों की बातों को रिस्पॉन्स देते हैं? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। हम लोग बहुत प्रयास किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। कैसे पंचायत का विकास होगा, जनता आपको चुनी है? क्या करें, हम तो लाचार हो रहे, हम तो पूरा प्रयास किए इसके लिए कि कम से कम पानी तो भी जनता को मिले। अधिकारी की मनमानी है? एकदम मनमानी है, PhD वाला में तो मनमानी है। जब से हम लोग के था PRD में, तब सब लोग सुनता था, काम होता था और पाइपलाइन भी बढ़िया से चलता था, पानी भी लोग पीते थे, लेकिन जब से PhD में गया कोई सुनने वाला नहीं। PRD के मुकाबले PhD बस से बदतर स्थिति, बहुत बहुत बहुत। वो तो आप चलिए, हम आपको घुमा के दिखा सकते हैं। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन सही से मिल रहा है? राशन में भी अनियमितता देखने को? ना, राशन बहुत बढ़िया से, पॉस मशीन आया है, सब अपना अंगूठा लगाते हैं, अपना राशन वजन को पब्लिक का समस्या? कहीं समस्या नहीं, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लोगों को अभी तक लाभ मिला है, पहले के जो टारगेट थे आपके? जो हम जीते तो हमको टारगेट मिला 400 कुछ मिला, उसमें 300 कुछ को मिल गया है, और सब कोई अपना अपना मकान भी बना दिया। क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ मूलभूत समस्याएं पब्लिक का निकल करके आती है? पब्लिक तो ज़्यादा इस समय सुखाड़ था तो पानी के ही लिए हमको बोलता है कि पानी हमको चाहिए। कुछ लोग बोले कि वृद्धा पेंशन बनाना, उन लोग को तो भी काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या वीडियो साहब बहुत अच्छे हमारे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और सब विकास के काम गली गली तो बन रहा है। पंचायत सचिव लोग सहयोग करते हैं? हाँ, वो बहुत आते हैं डेली। हाँ, आते हैं। पंचायत सरकार भवन खुलता है? हाँ, दम खुलता है। RTPS काउंटर? RTPS काउंटर भी खुला है इस बार, पिछले साल नहीं था, इस बार खुला है। राशन कार्ड वगैरह बन जाता है या फिर अभी भी समस्या है उसमें? राशन कार्ड में कुछ समस्या है बनने में, जो मान लो कि अभी ब्लॉक स्तर पर नहीं जा पाते हैं, उन लोग के RTPS को ऑनलाइन करा के और ले जाकर वहाँ ब्लॉक में बनाने के लिए। पैसे वगैरह से की भी मांग की जाती है? ना ना, पैसा मीडिएटर जो है हमारे माध्यम से तो पैसा की बात नहीं होती, और बाकी होगा तो हम। क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहते हैं विकास को लेकर के, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की विशेष? हम लोग को तो विशेष यही मांगे कि नल जल सब बढ़िया से चले, आदमी पानी ला दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो तो बहुत खुशहाल है, और भगवान देखिए रहे पानी पर ही रहें, तो हम लोग की आशा है कि लेयर आएगा तब ऐसे ही नल जल, फिर चापा कल जो ऊपर ला लेयर वो भी चालू हो जाएगा। मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? विशेष तो हम लोग यही कह सकते हैं कि PhD के जो है, जो PRD में हो जाए, हम लोग उसको लिए जनता को झेलना नहीं पड़ेगा, मुखिया लोग को झेलना नहीं पड़ेगा। चलिए, थे केसपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमिताभ कुमार, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे इन्होंने विकास का काम किया है।
हमको एक खेल स्टेडियम एक ठो बना है बहुत बड़ा, स्कूल के बाउंड्री सरकार का ही पूरा थी, मनरेगा से उसको स्टेडियम में बनाया और बाउंड्री पूरा। कितना मनरेगा से अभी तक काम करवा चुके होंगे आप? मनरेगा से तो अभी उसका पेमेंट हुआ नहीं है, लेकिन काम उसको करवा दिए हैं सर, लेकिन सरकार का पोर्टल खुलेगा तो पेमेंट होगा। चलिए, सुन रहे थे आप अमिताभ कुमार जो कि केशपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, गया।